नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पे जिसका नाम है द वंडर जुगनूज। पिछले वीडियो में हमने हमारी जर्नी शुरू की थी पुणे से, वाया ब्यूटीफुल लैंडस्केप तामिनी घाट को क्रॉस करते हुए हम लोग पहुंचे थे दिव्यागढ़ बीच पे। और बीच पे वन इवनिंग स्पेंड करने के बाद हम लोग रुके थे कोकोहट रिसोर्ट पे। दोस्तों आज का सफ़र जो है थोड़ा लंबा होने वाला है। सबसे पहले हम लोग दिव्यागढ़ के लोकल साइट सीन करेंगे, उसके बाद हम लोग चलेंगे हरिहरेश्वर तक और आज रात वहीं पे स्टे करेंगे। दिव्यागढ़ टू हरिहरेश्वर जो रोड है ये बहुत ही खूबसूरत है और बीच में हम लोग कहीं जगह पे हॉल्ट किए थे। तो आज की लिस्ट जो है काफ़ी लंबी है। हम लोग जा रहे हैं सबसे पहले रूपनारायण टेम्पल, देन सुवर्ण गणेश टेम्पल, पेबल्स बीच, शिखारी कॉर्नर पॉइंट, आरवी बीच, श्रीवर्धन बीच, हरिहरेश्वर बीच, हरिहरेश्वर टेम्पल, काल भैरव टेम्पल एंड गणेश गली। तो दोस्तों दिल थाम के बैठिए और वीडियो को एंजॉय करिए। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और वीडियो को लाइक एंड कमेंट ज़रूर करिएगा। दिव्यागढ़ एक छोटी सी जगह है। सुबह तकरीबन 10:30 बजे हमने होटल छोड़ दिया था और उसके बाद सीधे हम लोग चले गए रूप नारायण टेम्पल। ये टेम्पल दिव्यागढ़ बीच से बस 2 मिनट की दूरी पे है। ये टेम्पल काफ़ी पुराना है जिसे सुंदर नारायण टेम्पल के नाम से भी जाना जाता है और ये टेम्पल जो है स्पेशली लॉर्ड विष्णु को डेडिकेट करके बनाया गया है। ऐसा कहा जाता है कि 13th century में किंग शैलाहार की टाइम पे इस मंदिर का निर्माण किया गया था। मंदिर के अंदर लॉर्ड विष्णु का जो आइडल है वो बहुत ही खास है और इसे बहुत ही बारीकी से बनाया गया है ब्लैक मार्बल के ऊपर कार्व करके। साथ में विष्णु के 4 अवतारों को भी कार्व करके बनाया गया है। रूप नारायण टेम्पल का लोकेशन काफ़ी अच्छा लगा हमें। बहुत सारे कोकोनट ट्री के जंगल के अंदर में छुपा हुआ है ये खूबसूरत टेम्पल। मंदिर निर्माण के लिए रेड लेटराइट स्टोन का इस्तेमाल किया गया है और ये रेड लेटराइट स्टोन जो है आपको देखने को मिलेगा कोंकण एरिया के रायगढ़ रत्नागिरी रीजियन में। मंदिर का जो स्ट्रक्चर है उसे देख के ऐसा लगता है कि ये राजस्थानी स्टाइल से बनाया गया है। टेम्पल कॉम्प्लेक्स जो है ये बहुत ही छोटा है लेकिन बहुत ही खूबसूरत है। मंदिर के कॉम्प्लेक्स में हमें देखने को मिला 2 बिग टेम्पल्स, एक रूइन ओल्ड टेम्पल, एक स्टेप वेल एंड ए पिलर जो कि दिया जलाने में काम आता है। लोकल लोगों के साथ बात करने के बाद हमें पता चला कि ये ब्यूटीफुल आइडल जो है पुर्तगीज़ों ने इसे चोरी करने की कोशिश की लेकिन दिव्यागढ़ के जो लोकल्स है उन्होंने फाइट किया और इसे सक्सेसफुली वापस लेके आया। मंदिर के अंदर हमें बहुत ही शांति महसूस हुई। हमने कुछ देर बिताया और फिर यहाँ से रवाना हो गए हमारे दूसरे लोकेशन के लिए। हमारा दूसरा जो लोकेशन है वो है सुवर्ण गणेश टेम्पल। ये मंदिर रूप नारायण टेम्पल से बहुत ही नज़दीक है। मंदिर के अंदर प्रवेश करते ही हमें महसूस हुआ एक शांत वातावरण का। मंदिर के अंदर श्री गणेश जी की मूर्ति को छोड़ के हमें देखने को मिला एक दूसरा आश्चर्यजनक चीज। आइडल के पीछे की दीवार पे हमें देखने को मिला बहुत सारे सिक्का दीवार पे चिपका हुआ है। ऐसा कहा जाता है कि कोई भी एक सिक्का लेके अगर आप उस दीवार पे चिपका सकते हो एक ही बार में तो आपकी सारे मन्नतें पूरी हो जाती है। इस मंदिर के बारे में ऐसा कहा जाता है कि सन 1998 में यहाँ पे 30 किलो का एक तांबे का बॉक्स मिला था, बहुत ही बड़ा, और उस बॉक्स के अंदर मिला था श्री गणेश जी की मूर्ति जिसका वज़न था 1 किलो 300 ग्राम और वो प्योर गोल्ड से बना हुआ था। तो लोकल लोगों ने इसे लाके यहाँ पे स्थापित कर दिया। मंदिर के एग्जैक्टली ऑपोजिट साइड में हमें एक हनुमान जी की छोटा सा मंदिर भी देखने को मिला।
मंदिर का लोकेशन काफ़ी अच्छा है और सामने जो है पार्किंग के लिए काफ़ी सारे स्पेस है। हमने लगभग आधा घंटे का समय इस मंदिर पे बिताए। दिव्यागर बीच से निकल के लगभग 4.5 किलोमीटर की दूरी पे हमें देखने को मिला ये नेचुरल फिशिंग डॉक। बहुत ही खूबसूरत जगह है, तो हमने सोचा क्यों ना थोड़ा उतर के एंजॉय किया जाए। यहाँ से मरीन सफारी भी मिल जाते हैं और ये सफारी आपको लेके जाता है शार्क माउथ रॉक पे। बहुत ही खूबसूरत जगह है, लेकिन टाइम ना होने के कारण हम लोग वहाँ जा नहीं पाए। हमारा अगला डेस्टिनेशन था पेबल्स बीच, जो कि दिव्यागर बीच से लगभग 8.5 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। ये गोवा का पेबल बीच नहीं है, ये महाराष्ट्र का पेबल्स बीच है। ये भी बहुत ही खूबसूरत है। कड़ी धूप में यहाँ आके जब छाव में बैठा तो हमें जन्नत जैसा फील हुआ। ये कौन सी बीच है? पेबल बीच। पेबल बीच बहुत, लेकिन काफ़ी छाव है इधर, पेड़ भी है, तो इस धूप में भी जो है थोड़ा राहत है, घूम सकते हैं, बैठ सकते हैं, थोड़ा रिलैक्स कर सकते हैं यहाँ पे, नहीं? हाँ। खैर अभी तो हाई टाइड का टाइम है, देख के ही लग रहा है, जैसे अलीबाग में था ना। हाँ बिल्कुल, हाई टाइड का टाइम है तो बीच पर अभी उतर नहीं सकते, क्योंकि बहुत भयंकर लगभग क्या बोले लहरें जो है, देखो कितना बड़ी बड़ी लहरें, वो बढ़िया है, कुछ टाइम बिताया जाए यहाँ पे। इत्तेफाक से नारियल पानी पीने का भी मौका मिल गया। बहुत ही अच्छा लग रहा था इस बीच पे घूमने में, और काफ़ी अच्छा बीच है ये। फिर भी जो है थोड़ा बहुत तो राहत है। जब इस बीच पे पहुंचे तो हाई टाइड का वक्त था, लहरें बहुत जोर जोर से पत्थरों से टकरा रही थी, इसीलिए जो है नजदीक जाने का कोई चांस ही नहीं था और हम चांस लेना भी नहीं चाहते थे। लहरें इतनी तेज़ है, सोचा नहीं था, थोड़ा नज़दीक गया तो भीग गया, कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकते अभी कि किस वक्त कितना जोर से आएगा ये लहर, वो भीग गया। इस साइड में आके मुझे मिला एक बंदर, जिसको पता नहीं ये पकड़ के झूलने में बहुत मज़ा आ रहा है, जो कि अभी अभी नीचे से पूरा लहर में भीग के आया है। सूखा कपड़ा मैं होटल से निकला था और अभी पूरा बाली वाला रेत वाला पानी में भींगा हुआ है और हुप हुप कर रहा है। बार तो लहरों से डर गया था, लेकिन अभी जो है खतरों के खिलाड़े की याद आ गई, तो हम मेरे अंदर भी जो है थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आया है। अब जा रहा है लहरों से लड़ने के लिए, खड़े रहेंगे, भागेंगे नहीं लहरों से, डट के मुकाबला करेंगे। अरे 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 अरे, ये बीच नहाने के लिए बिल्कुल भी सूटेबल नहीं है, क्योंकि हर जगह पे पत्थरों से भरा हुआ है। इस बीच पे नहाना खतरों से खाली नहीं है।
भैया एक और नारियल पीने लगाना, पानी वाला। अरे इधर तो ख़त्म भी हो गया, लेट आओगे तो लेट ही मिलेगा। लेट नहीं पीने आए हैं, नारियल पानी पीने आए हैं। बस बीच पे अच्छा खासा वक्त बिताने के बाद हम लोग जब आगे बढ़ने लगे तो 1 किलोमीटर के अंदर हमें एक और जगह देखने को मिला जिसका नाम है शिखारी कॉर्नर पॉइंट, और हमें मजबूर कर दिया उतर के उस जगह को थोड़ा एक्सप्लोर करने में। ये जगह स्थित है पेबल्स बीच और अरावी बीच के बीच में, बहुत ही छोटा जगह है लेकिन ज़बरदस्त व्यू है। यहाँ खड़े होके एक तरफ आगे दिखता है ह्यूज अरेबियन सी का एंडलेस व्यू और दूसरी तरफ है विशाल चट्टान। इस एज पे फोटो खिंचाने के लिए बहुत लंबी लाइन थी, मेरे से पहले बहुत सारे कपल्स थे वहाँ पे जो लोग टाइटेनिक वाला पोस्ट पे बहुत सारे फोटो खिंचा रहे थे। लगभग 5 मिनट बाद हमारी बारी आई। दिव्यागर बीच से लेके अभी तक हम लोग जो है कोस्टल लाइन को पकड़ते हुए चल रहे थे। हमारे लेफ्ट साइड में है विशाल चट्टान और राइट साइड में है अरेबियन सी। ज़बरदस्त ड्राइविंग एक्सपीरियंस था इसमें और रोड भी काफ़ी मस्त था। शिखारी कॉर्नर पॉइंट से लगभग 1.5 किलोमीटर चलने के बाद हम लोग पहुँचे एक दूसरे बीच पे जिसका नाम है अरावी बीच, और ये अरावी बीच दिव्यागर बीच से लगभग 11 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। आप में से बहुत सारे लोग होंगे जो महाराष्ट्र में तो घूमे होंगे और महाराष्ट्र के कई सारे बीचेस में भी घूमे होंगे, लेकिन ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि अरावी बीच जो है बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं होगा, जबकि ये बहुत पुराना और फेमस बीच है। वाह, जबरदस्त बैठने का जगह मिल गई। ओम शांति ओम। बहुत शांति। हाँ, यहाँ से बैठ के एकदम साफ है, पता नहीं कुछ कोई बैठ के गया होगा। हाँ, बिल्कुल छांव में यहाँ से बैठ के बीच का आनंद लिया जा सकता है। कैसा लग रहा है? बहुत मस्त लग रहा है। बाहर गाड़ी के एसी से अच्छा ये लग रहा है। बहुत लंबे समय तक लोगों ने इस बीच को निगलेक्ट करके रखा था क्योंकि इसके सराउंडिंग बहुत सारे और भी फेमस बीचेस है, लोग वहां आते हैं घूमते हैं और चले जाते हैं। लोग जनरली जाना पसंद करते हैं हरिहरेश्वर बीच, दिव्यागर बीच एंड श्रीवर्धन बीच, और इसी वजह से ये सिक्लूडेड एंड ब्यूटीफुल अरावी बीच को जो है लोग नज़रअंदाज कर जाते हैं। इस बीच का पैनोरमिक व्यू बहुत ही खूबसूरत है। बीच के अंत में दोनों तरफ जो है हिलॉक्स है।
और यही एक्सोटिक व्यू ट्रैवलर्स को मजबूर कर देता है वो यहाँ रोकने के लिए। पूरा एरिया जो है कोकोनट ट्री और सुपारी के पेड़ से भरा हुआ था, बहुत ही खूबसूरत नज़ारा था। और इसी कारण ये जगह नेचर लवर एंड सनसेट लवर्स के लिए बहुत ही फेवरेट है। ये एक सैंडी बीच है, बिल्कुल भी पत्थर नहीं है, और इसीलिए नहाने के लिए या फिर स्विमिंग या फिर वाटर एडवेंचर के लिए काफ़ी उपयुक्त है। ये एक ब्लैक सैंड बीच है, लेकिन आश्चर्य की बात यह है यहाँ आपको ऊपर जो है वाइट सैंड का लेयर भी देखने को मिलता है। हमने यहाँ लगभग आधे घंटे का वक्त बिताए और उसके बाद हम लोग निकल पड़े श्रीवर्धन बीच की तरफ। अरावी बीच से लगभग 12 किलोमीटर दूरी पर है श्रीवर्धन बीच। हमें यहाँ पहुँचने में लगभग आधे घंटे का समय लगा। श्रीवर्धन बीच इज़ वन ऑफ द मोस्ट फेमस बीचेस ऑफ महाराष्ट्र। इसकी लंबाई लगभग 3 किलोमीटर है। नाइस एंड क्लीन बीच होने के कारण यहाँ पे महाराष्ट्र एंड देश के हर एक कोने से लोग विजिट करने आते हैं, और इसीलिए ये जगह जनरली क्राउडेड रहती है। ताज़ी हवा बह रही है एकदम, कूल। 12 बजे का हवा भी इतना ठंडा लग रहा है ना? हाँ। ये एक बहुत ही वेल मेंटेन बीच है। महाराष्ट्र गवर्नमेंट के तरफ से इस बीच को बहुत ही अच्छे से कंस्ट्रक्ट किया गया है और बीच बीच में बैठने के लिए बहुत ही खूबसूरत जगह बनाया गया है। मॉर्निंग वॉक, इवनिंग वॉक या फिर सनसेट देखने के लिए ये जगह काफ़ी मस्त है और बिल्कुल पॉल्यूशन फ्री है। 16th एंड 17th सेंचुरी में श्रीवर्धन बीच एक इम्पोर्टेंट पोर्ट हुआ करता था। श्रीवर्धन महाराष्ट्र का बहुत पुराना सिटी है और इसे सिटी ऑफ पेशवा भी कहा जाता है। पेड़ के नीचे कितना मजा आ रहा है ना? हाँ, बहुत ज्यादा। मतलब जितना पेड़ की छाव की तरफ आ रहे उतना ज्यादा ठंडा ठंडा, मतलब अच्छा। अभी तक का सबसे अच्छा वाला यही लग रहा है ना? हाँ, पर यहाँ पे लोग सही नहीं है। हाँ, लोग हैं और ये जो सैंड है बिल्कुल ब्लैक सैंड है, एकदम कीचड़ कीचड़ है। अभी हाई टाइड है ना, तो जैसे कीचड़ जैसा पानी है एकदम आगे। हाँ, और ब्लैक सैंड की वजह से और भी ज्यादा दिख रहा है। ये लोगों को देखो, पूरा काला बन चुके हैं नहाते नहाते देखो ना, कीचड़ से ही काला हो चुके हैं। एक ब्लैक सैंड बीच है, बिल्कुल भी पत्थर नहीं है, पानी में ज़्यादा गहराई भी नहीं है, और इसीलिए जो है आइडियल फॉर स्विमिंग, और साथ में बच्चों को भी लेके एक साथ नहा सकते हैं, बहुत ही सेफ है। और बीच के एंट्री साइड में आपको बहुत सारे फूड स्टॉल भी मिल जाएंगे, खाने का भी कोई दिक्कत नहीं।
श्रीवर्धन बीच पे कुछ क्वालिटी टाइम स्पेंड करने के बाद हम लोग निकल पड़े हरिहरेश्वर की तरफ। हरिहरेश्वर श्रीवर्धन बीच से ऑलमोस्ट 21 किलोमीटर था और ये दूरी हमने लगभग 50 मिनट में पूरी की। हरिहरेश्वर में नाइट स्टे के लिए हमने एडवांस बुकिंग करके रखा था एमटीडीसी रिसॉर्ट में। यहाँ का एमटीडीसी रिसॉर्ट जो है बहुत ही अच्छे लोकेशन पे है और इसका डिटेल्स हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे। होटल में लगेज रखने के बाद हम लोग तुरंत लंच के लिए निकल पड़े और हमने अपना लंच भी एमटीडीसी रिसॉर्ट के रेस्टोरेंट में किया। पेट में चूहा दौड़ रहा है। अब देखो खाना कुछ नसीब होता है कि नहीं। या टू लेट। हमारे दोपहर के लंच के मेनू में था चिकन दो प्याज़ा, फुलका, एक फ्राइड राइस और लस्सी। राइट नाउ इट्स 5:30 और हम लोग पहुंच गए हैं अभी हरिहरेश्वर बीच। ये जो बीच है ये बहुत फेमस है क्योंकि ये बहुत क्लीन है और सैंडी है। बहुत लोग नहा रहे हैं अभी। सनसेट का टाइम भी हो रहा है। आधे नंगे सब चड्डी में आए। हाय हाय मज़ा आ रहा है। आहा ये देखो कितना स्मूथ है ये जगह। मैंने अपना जूता निकाल के अच्छा किया। नहीं चलने में बड़ा मज़ा आ रहा है। हरिहरेश्वर बीच महाराष्ट्र का एक बहुत ही फेमस बीच है और ये लेस क्राउडेड बीचेस में से एक है। मुंबई से लगभग 200 किलोमीटर और पुणे से लगभग 170 किलोमीटर दूरी पे ये बीच है। हरिहरेश्वर को अक्सर देवघर भी कहा जाता है यानी हाउस ऑफ गॉड। इसे दक्षिण काशी के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि यहाँ का जो मंदिर है वो भगवान शिव को समर्पित किया गया है और ये मंदिर है हमारा नेक्स्ट डेस्टिनेशन। लंबाई में ये बीच लगभग 2.5 किलोमीटर की है और बिल्कुल सैंडी बीच है। पानी और बीच दोनों ही बहुत साफ सुथरा है इसलिए नहाने के लिए बहुत ही सूटेबल है। लहरें बहुत सुंदर लग रहा है इधर। बाकी सब बीच से ये बहुत ही अलग है इसका भाई। एकदम शांत पीछे एकदम लग रहा है जैसे अभी सुबह हुआ है और पूरा मीस टाइप का है। बहुत सुंदर लग रहा है। रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट में स्थित हरिहरेश्वर इज सराउंडेड बाय 4 हिल्स जिसका नाम है हरिहरेश्वर, हर्षिनाचल, ब्रह्माद्री एंड पुष्पाद्री। यहाँ का वेदर कंडीशन बहुत ही अच्छा है इसीलिए साल के किसी भी सीजन में आप यहाँ पे विजिट कर सकते हैं। अगर आप कोंकण टूर पे निकले हैं तो हरिहरेश्वर इज अ मस्ट विजिट प्लेस।
बीच पे कुछ टाइम बिताने के बाद हम लोग निकल पड़े हमारे नेक्स्ट डेस्टिनेशन के लिए जो है टेंपल विजिट। यहाँ पे दो खास टेंपल है जो कि हरिहरेश्वर बीच के बिल्कुल बगल में है और इसका नाम है हरिहरेश्वर टेंपल एंड काल भैरव टेंपल। ऐसे ही एक गली के अंदर से हमें जाना है और गली के दोनों साइड में जो है बहुत छोटे छोटे शॉप्स थे। मंदिर कॉम्प्लेक्स में हमें दो छोटा छोटा घर दिखाई दिया, एक है काल भैरव का और दूसरा है शिवलिंग रखा गया है जिसमें, और यह कहा जाता है कि यहाँ आने के बाद सबसे पहले काल भैरव का दर्शन किया जाए और उसके बाद शिवलिंग का दर्शन किया जाए। मंदिर के अंदर कैमरा ले जाना अलाउड नहीं था, इसीलिए जो है हमने अंदर की वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं की। यहाँ से हमारा नेक्स्ट डेस्टिनेशन था गणेश गली जो कि हरिहरेश्वर का एक बहुत ही फेमस एंड एग्जॉटिक प्लेस है। गणेश गली जाने के लिए थोड़ा ट्रेकिंग करना पड़ेगा पहाड़ों के ऊपर से और इसका एंट्रेंस भी इसी मंदिर के अंदर से ही शुरू होती है। गणेश गली तक पहुंच पाना ही अपने आप में एक एडवेंचर है क्योंकि बिल्कुल इंक्लाइंड है और कंटिन्यूसली चलना पड़ेगा। लगभग 20 से 25 मिनट चलने के बाद मैं पहुंचा गणेश गली का मेन एंट्रेंस पे। गणेश गली हरिहरेश्वर का एक पिलग्रिमेज स्पॉट है, अगर आप कोंकण टूर के लिए आते हो हरिहरेश्वर में तो ये जगह बिल्कुल आना। ऊपर से ही इसका व्यू जो है बहुत ही खतरनाक दिखता है, दो बड़े बड़े चट्टानों के बीच से 3 फीट वाइड की एक नैरो पैसेज जो है ऊपर से नीचे तक जाती है। सीढ़ी तो कार्व किया हुआ है लेकिन सीढ़ी का हाइट जो है बहुत ही ऊंचा है, इसीलिए यहाँ पे चलना थोड़ा रिस्की है, बहुत सावधानी से नीचे उतरना पड़ेगा। मैं जब वहाँ पे पहुँचा और सीढ़ी से नीचे उतर रहा था तो वहाँ पे कोई भी नहीं था, मैं बिल्कुल अकेला था तो मुझे थोड़ा डर भी लग रहा था। मेरे लिए ये जगह बिल्कुल नई थी और मुझे इस एरिया का कोई अंदाज़ा नहीं था, ये सीढ़ी कहाँ तक पहुँचती है और नीचे क्या है इसका मुझे कोई आइडिया नहीं था। सीढ़ी से उतरते वक्त मिडवे पे एक छोटा सा जगह मिला जहाँ पे हम लोग बैठ के कोई भी सेल्फी या ग्रुप ही लिया जा सकता है और यहाँ से व्यू भी बहुत ज़बरदस्त आ रहा था। जब मैं उतर रहा था दोनों तरफ के बड़े बड़े जो चट्टान हैं मुझे लग रहा था कि दोनों जो राक्षस मेरे दोनों साइड में बैठा हुआ है और बहुत ही खतरनाक व्यू है। सच बताओ तो कैमरे से इस जगह की व्यू को जस्टिफाई नहीं किया जा सकता।
नीचे पहुंचने के बाद मुझे जो व्यू मिला वो बिल्कुल होश उड़ा देने वाला था। खतरनाक चट्टानों से भरा ये जगह बिल्कुल समुंदर में मिलता है। नीचे उतरने के बाद मुझे वहाँ पे दो फैमिली मिला। उन्होंने मुझे बताया कि समुंदर के पानी के नीचे लगभग 30 फीट नीचे जो है एक गणेश जी की मूर्ति है। जब लो टाइड होता है तो वो दिखता है, लेकिन किस्मत मेरा उतना अच्छा नहीं था कि मैं उसे देख पाऊँ। और थोड़ा आगे गया तो मुझे ये दोस्तों से मिलने का मौका मिला। मुझे देखते ही वो लोग पानी की तरफ भाग गया। समुंदर की तेज लहरें जो है वो पत्थरों पे बहुत बुरी तरह से टकरा रही थी। इस वक्त पानी में उतरना या पानी के नज़दीक जाना भी बहुत डेंजरस हो सकता था। लहरों ने इस पत्थरों पे कितना बुरी तरह से कैविटी बना दिया है, और ये पत्थर जो है बहुत ही बड़ा है, और पूरे पत्थरों पे जो है शुरू से लेकर अंत तक पूरा पत्थर जो है कैविटी से भरा हुआ था। नो डाउट ये जगह बहुत ही खास है, स्पेशल है, ब्यूटीफुल है, लेकिन यहाँ पे आना थोड़ा रिस्की भी है। सनसेट से पहले मेरे यहाँ से निकल जाना बहुत ही ज़रूरी था, क्योंकि यहाँ पे बिल्कुल भी लोग नहीं था, सेक्यूटेड एरिया है, तो मैंने सोचा यहाँ से निकल जाना ही ठीक रहेगा। हरिहरेश्वर बीच के साइड में ही एक है सनसेट पॉइंट, तो मैंने सोचा क्यों ना वहीं जाके थोड़ा सनसेट को एंजॉय किया जाए। वापस उसी रास्ते से नीचे उतर के मंदिर के रास्ते से वापस आके और ये जगह पे मैंने एंट्री लिया। सनसेट को एंजॉय करने के लिए ये एक बेहतरीन जगह है। थोड़ा बहुत लो टाइड की वजह से पानी पत्थरों से नीचे चला गया था, और मुझे देखने को मिला यहाँ के लोकल्स जो हैं बड़े मस्ती से मछली पकड़ रहे थे। लगभग आधा घंटा यहाँ पे बैठ के हमने सनसेट का आनंद उठाया। और इसी के साथ ख़त्म होती है हमारी आज की ये जर्नी। कल हम लोग निकलेंगे गुहागढ़ बीच के लिए। हम लोग ट्रैवल करेंगे यहाँ MBTC रिसोर्ट से गुहागढ़ तक, और आपको दिखाएंगे सारे सीनिक स्पॉट्स। तो होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा, और अच्छा लगा है तो लाइक शेयर कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।